मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? हाँ जी सर, दिख रही है। अच्छा, हाँ तो इस रामायण के अंतर्राष्ट्रीय छठवें अधिवेशन में जो रामायण के प्रेमीगण और विशेष रूप से डॉक्टर हमारे डॉक्टर सब जो ओम गुप्ता जी और सभी श्रोतागण को बहुत बहुत हमारी तरफ से अभिनंदन स्वीकार हो। और मैं डॉक्टर भरतराज सिंह, हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर हेमंत कुमार, जो जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ही इसको प्रेजेंट करूंगा। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र का अध्यक्ष लखनऊ से हूँ और महानिदेशक भी हूँ। मेरा जैसा आपके सम्मुख रखा गया है, सत्य को उजागर करना, रामचरितमानस में उद्धृत पाताल लोक की एक खोज की गई है, जिसमें हम लोग मिलकर के इसको रामचरितमानस के में उद्धृत जो है उस पटल को सही रूप में कहाँ उपलब्ध है, क्या है, और उसका सारा तारतम्य हम लोगों ने व्यक्त किया है। विषय वस्तु में हमारे पास विषय पर सारांश है, विषय परिचय, साहित्य समीक्षा है, अध्ययन के की कार्य प्रणाली में पाठ्य विश्लेषण, ऐतिहासिक अनुसंधान और वैज्ञानिक जांच, एकीकरण और संश्लेषण और परिणाम चर्चा निष्कर्ष है। तो इस समय में रामायण में उल्लिखित पाताल लोक के अस्तित्व की सदियों पुराना प्रश्न विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए एक अबूझ पहेली की तरह परेशान करता है। जब भी ये बात आती है तो वो कहाँ है और इस पर पाताल लोक और क्या इसकी है, कैसे वहाँ पर पहुँचा गया। तो इस शोध पत्र में हम लोगों ने ये पाया कि अगर पाताल लोक कहा जा रहा है तो 180 डिग्री अगर भारतवर्ष के किसी स्थान से भी हम करें तो वो जा करके एक ऐसे स्थान पर निकलेगा जो कि वही पाताल लोक कहा जा सकता है। तो शोध पत्र में नीचे के अस्तित्व की पता लगाना और ये विशेष रूप से होंडुरास के एक प्राचीन शहर सियुदाद ब्लांका की हालिया खोज हुई है, तो उस पर भी हम लोगों ने विचार किया। रामायण की कथा में राम भक्त अपने पुत्र हनुमान जी की यात्रा का वर्णन करते हैं, जो अपने प्रिय देवता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए पाताल लोक की खोज कर वहां तक पहुंचे थे और वहां उनको अतताइयों को मार करके आगे रामचंद्र जी को सुरक्षित लाए थे। और वहाँ रामायण की गाथा के अनुसार हनुमान जी उक्त भूमिगत क्षेत्र तक पहुँचने के लिए 7 तलों का उदाहरण पुराण में उल्लिखित है कि अतल, वितल, शीतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल से होकर के 70,000 योजन की दूरी तय की थी। इसको भी प्रमाणित करना है कि 70,000 योजन कैसे उन्होंने पार किया था, क्या ये, क्योंकि 1 योजन 8 माइल, 1 माइल 1.6 किलोमीटर, तो 12.8 किलोमीटर होता है 1 योजन, तो 70,000 योजन कैसे होता है। उल्लेखनीय है कि आज भारत में एक सुरंग अगर खोदी जाए तो मैक्सिको और ब्राजील या होन्डुरास जैसे देशों में पहुंचेगी। यहाँ से अगर हम मध्य प्रदेश से अगर लेते हैं तो सीधे जा करके होन्डुरास पहुंचती है। ये हम लोगों ने ग्लोब में करके इसको देखा है। यद्य पाताल लोक की अवधारणा मानव से परे है, जमीन के नीचे दुनिया पौराणिक कथाओं में बार बार आती है, इसके अस्तित्व पर सवाल भी उठता है, लेकिन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के तरफ से और वैदिक विज्ञान केंद्र की तरफ से हम लोगों ने इस पर विशिष्ट 1 साल का अध्ययन किया और उस पर प्रमाण के साथ, वैज्ञानिक प्रमाण के साथ इसको देखा। और इसमें कई रामायण का अध्ययन भी किया गया और उसमें बंगाली रामायण में सुरंग की दूरी को 1,000 योजन कहा गया, जो 12,008 से, और वैसे भी 7 तल जाने में अगर हम देखा जाए तो 70,000 योजन के लिए हर 7 तलों 10,000 योजन की दूरी को ना भ्रमण हमारे हनुमान जी ने उस पर किया है। इस प्रकार सुरंग की संभावना तो कभी हो नहीं सकती है, लेकिन अगर हम इसको व्यास के रूप में जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल सटीक पृथ्वी की मोटाई मिलती है। इसके अतिरिक्त किंवदंती से पता लगता है कि अहिरावण पर विजय पाने के बाद भगवान राम ने मकरध्वज को पातालपुरी का शासक नियुक्त किया, जो इस भूमिगत शहर में मकरध्वज की खोजी गई मूर्ति से भी जुड़ा हुआ है। इस अन्वेषण में न केवल पौराणिक आख्यानों पुरातन खोजों
संभावित संबंधों का खुलासा करता, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन सभ्यता और वैज्ञानिक उन्नति में योगदान को भी रेखांकित करता है ये हमारा शोध पत्र है। इससे वैश्विक स्तर पर प्राचीन ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करते हुए मिथक और वास्तविकता के संलयन के लिए गहरी संभावना प्रदर्शित करता है, ये इसका मुख्य है। और ये हमारे पेपर में काफी जगह छपा हुआ था, अब मुख्य पृष्ठ पर भारत के सभी पेपर में छपा हुआ, आगे मैं उसको दिखाऊंगा। पाताल में विषय परिचय तो एक किंवदंती जो हमेशा कही जाती है, मिथक भी कहा जाता है, लोक कथाओं में चर्चाएं भी आती हैं, और जटिल अंतर संबंध को समझने के लिए हम एक प्रवेश द्वार की तरह इसको हमने आगे बढ़ाया है। पौराणिक आख्यानों में विशाल पृष्ठ के भीतर कुछ कहानियां रामायण के महाकाव्य की गाथा जितनी गहराई से गूंजती है, इस कालजयी कहानी के केंद्र में भगवान राम के समर्पित शिष्य हनुमान जी पाताल लोक की गहराई में की गई साहसिक यात्रा है इस पीछे, जैसे कि हनुमान जी अपने प्रिय देवता को बचाने के लिए इस खतरनाक खोज पर निकलते हैं। कथा न केवल कल्पना को लुभाती है, बल्कि पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे रहस्यमय स्थानों के अस्तित्व के बारे में गहन प्रश्न भी उठाती है। तो यह हिंदू पौराणिक कथाओं में जो निहित पाताल लोक के घूमकर दुनिया के रूप में दर्शाया गया है, उसमें दिव्य प्राणियों, राक्षसों, पौराणिक प्राणियों का निवास है, ऐसा हम लोगों ने उसको निकालने की कोशिश की है। रामायण और अन्य पवित्र ग्रंथों में पाताल लोक के वर्णन से विशाल भूमिगत साम्राज्यों में भूलभुलैया सुरंगों, रहस्य में डूबे रहस्य में परिणामों के ज्वलंत कल्पना उत्पन्न होती है। इस विद्वान इन प्राचीन कथाओं के पीछे सच्चाई को जानने की कोशिश तो करते हैं, समझ की इस खोज के पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के अध्ययन से लेकर पुरातत्व और तकनीकी नवाचार तक विविध विषयों में एकीकरण को जन्म दिया है। इस अंत विषय ढांचे के भीतर कि हम पाताल लोक के पीछे सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी जांच केंद्र में रामचरितमानस की कथा ही है, जो हिंदू साहित्य का एक मौलिक पाठ है, जो काव्यात्मक रूप से रामायण की कहानी को दोबारा बताता है। इस प्रयास को केंद्र मध्य अमेरिका के होन्डुरास में सियुदाद ब्लांका की खोज है, एक ऐसी जगह जिसने पाताल लोक के पौराणिक क्षेत्र से अपने संभावित संबंध के लिए ध्यान आकर्षित किया था। ये लाइडर तकनीक से जैसे आधुनिक तकनीकों का अनुप्रयोग करके माध्यम से शोधकर्ताओं ने होन्डुरास के घने जंगल के नीचे छिपी प्राचीन बस्तियों को साक्ष्य उजागर किया था, उसको आधार हम लोगों ने लिया है। होन्डुरास के मस्किटिया का ये जंगल है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में मैक्सिको के बाद होन्डुरास एक स्टेट है जहाँ पर ये जंगल है, और जंगल की बहुत गहराई और बहुत भयानक है, जहाँ पर अभी भी आदिवासी रहते हैं। पाताल लोक में साहित्य की समीक्षा थोड़ा हम लोगों ने इसको जगह जगह से लिया। पाताल लोक के राम भक्त पवन सुत हनुमान जी के अपने प्रिय देवता को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए पाताल लोक गए थे, ऐसा है, इस पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया। इस गाथा के अनुसार हनुमान ने इस भूमिगत क्षेत्र तक पहुँचने के लिए पुराण में उल्लिखित सातों तलों अतल वितल सुतल तलातल महातल ऋषतल जैसे अभी बताया था 70,000 जो उनकी दूरी कैसे है। यदि आज भारत में श्रीलंका के बीच से कोई सुरंग खोदने की परिकल्पना की जाती है तो मैक्सिको बाजेल होन्डुरास जैसे देशों में निकलती है, अगर इस लोक में किसी जगह से करते हैं तो पाताल लोक की अवधारणा मानव से परे जमीन के नीचे की दुनिया अर्थात 180 डिग्री नीचे पौराणिक कथाओं में बार बार आती है, जो इसके अस्तित्व पर सवाल उठते हैं। ये भी लंकापति रावण के अतिरिक्त दो अधर्मी रावण के सौतेले भाई अहिरावण और महिरावण पाताल लोक में रहते थे, वहां के राजा श्री राम जी से जब लंकापति रावण का पक्ष कमजोर पड़ने लगा तो युद्ध क्षेत्र में अहिरावण आया और सोते हुए राम लक्ष्मण जी को पाताल लोक उठा ले गया और अपनी आराधिका महामाया के सम्मुख बल देना चाहता था। इसके पीछे यह है कि रावण जब मेघनाथ के डेथ हुई तो बध हुआ तो उसके बाद वो कमजोर महसूस हुआ और मंत्र के उच्चारण से उसने अपने दोनों सौतेले भाइयों को याद किया और उनको बुला लिया और उनको अपनी पूरी व्यथा बताई और वो मायावी जो कि हमेशा ये देखते थे कि
राम जो है विष्णुधारी हैं, लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, तो इनको हम अगर उठा ले मेरी भी गति सदगति होगी, तो वो और नहीं तो हम माया के सामने इनको ले जा करके हम बलि चढ़ा देंगे, ये उनका था। लेकिन वहाँ जब हनुमान जी पहुँचते हैं छुड़ाने के लिए, तो पता लगा कि मकरध्वज द्वारपाल के रूप में वहाँ मौजूद हैं। मकरध्वज एक इसकी भी किंवदंती है, मकरध्वज औरुष पुत्र हैं हनुमान जी के। औरुष पुत्र कैसे हुए, जब मकरध्वज ने ये बात की कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, तो उनका कहना ये हुआ कि आप कैसे हमारे पुत्र हो सकते, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। उन्होंने ये कहा कि हमें जो बताया गया कि जब लंका का दहन हुआ, आपके शरीर में इतनी भीषण गर्मी थी, और जब समुद्र में आप छलांग लगाए हैं, तो वीर का कोई बिंदु, हमारी माता जी जो मगर थी, वो उन्होंने पान कर लिया, और उससे मैं उत्पत्ति हुआ। आधा में मगर के रूप में हूँ, आधा में बंदर के रूप में हूँ, इसलिए मकरध्वज हूँ, और हमने यहाँ पर उठा करके इन लोगों ने द्वारपाल के रूप में रखा है। और ये भी उन्होंने बताया कि अगर आपको यहाँ विजय पानी है, तो आप यहाँ 5 दिए जल रहे हैं महामाया के सामने, और उन दियों को एक सांस में अगर बुझा देंगे तभी होगा। तो वहाँ से हनुमान जी को 5 हनुमान जी का जो मूर्तियों का पंचमुखी हनुमान जी बन करके सभी 5 मुखों से एक साथ उनको बुझाया, और सारी सेना को और उनको समाप्त करने में वो सहायक हुआ। तो हो सकता है शायर हुंडुराज जो खोजी गई मूर्तियां हैं वो आगे आपको बताएंगे। ये थियोडोमोर, अब मैं आपको थियोडोमोर के बारे में बताना चाहूँगा, 5 मिनट और समय चाहूँगा। थियोडोमोर ये हमारे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, तो उसमें किसी पायलट ने वहाँ नीचे जा करके, अभी जो हमने हुंडुराज के जंगल दिखाए, देखा कि कुछ आदिवासी लोग पंक्तबद्ध हो करके शनिवार और मंगल को अक्सर जाते हैं, तो वो उधर घूमते हुए जहाज से नीचे ले करके दूरबीन से देखा, तो कुछ लोग हाथ में लिए हुए और मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति हाथ में या उसको बर्तन पर लिए हुए जा रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर के। तो उसको शंका हुई है, तो थियोडोमोर एक जियोलॉजिस्ट थे, उनको बताया, और ये करीब करीब 6 साल वहाँ पर, 4 साल वहाँ पर अपनी रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने पाया कि यहाँ कोई पुरानी सभ्यता है, और जिसके उस पर ये लोग हमेशा पूजन पाठ किया करते हैं। तो अब इस अध्ययन में जो पद्धति अपनाई गई है शोध की, वो उस घने जंगल के मस्किटिया के इलाके में, इसको मुख्यतः हमारे अभी जियोलॉजिस्ट जिसका नाम लिया, उन्होंने शोध पत्र से तमाम चीज़ें निकाली, तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कि ये गदा लिए मूर्तियां भी वहाँ उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ उन्होंने नीचे थियोडोमोर ने ये भी पाया कि एक जो मैगजीन में उन्होंने अपना इसका प्रकाशन किया है, और वो भी अभी आगे हम दिखाते हैं कि प्रकाशन में उनको ये स्पष्ट रूप से बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, वो जानकारी नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ये है कि मंकी गार्ड की पूजा की जाती है। लेकिन एक परिवर्तन आया 2014 में, उसमें ऐसा हुआ कि ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की लैब से निकल करके लाइडर टेक्नोलॉजी से वहाँ के 3D मैपिंग किया, जो 30 मीटर नीचे तक की खोज की, और उसमें से तमाम प्राचीन चीज़ें निकली हैं, अभी जैसे दिखाते हैं आगे। और दूसरा ये हुआ कि ओबामा जी जब 26 जनवरी 2015 में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो उनके बारे में कहा जाए कोई लॉकेट साथ में लिए हुए हैं, तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुत्री ने उनसे लॉकेट के देखने की इच्छा जाहिर की, जो जिसमें हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप दिख रहा था। ये थियोडोमोर ने अपने वहाँ के पत्रिका में 1940 में निकाला था कि इन द लास्ट सिटी ऑफ द
एंशियंट अमेरिकन मंकी गॉड, ये एक है और बड़ा सा देखिए उसमें अभी जो खोज हुई है, बड़े से मंकी एक उस पर बैठे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है उस टाइप से सीढ़ियाँ जो हैं उस पर भी बंदरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें एक पाठ विश्लेषण हम लोगों ने भी किया, सभी चीज़ों को मिला करके उस पर धार्मिक पक्ष भी लिया, सांस्कृतिक पक्ष भी लिया और उसको जोड़ करके इसको समझने में काफ़ी हम लोगों ने अध्ययन करके उसको रामायण से जोड़ने की कोशिश की और ऐतिहासिक पुरातत्व साक्ष्यों को भी लिया, वृतांत जो भी ऐतिहासिक मिले उन पर भी हम लोगों ने चुदाद ब्रांड का जो है रामायण में पंडित पाताल लोक को जोड़ने के दावों को विश्वसनीयता का आकलन हम लोगों ने विशेष रूप से करने की कोशिश की। वैज्ञानिक पक्ष है, जब तक कोई चीज सामने दिखेगी नहीं, पैटर्न उसको नहीं मिलेगा, कलाकृतियां नहीं मिलेंगी, उस पर कभी ये बताया नहीं जा सकता कि कैसे हो सकता। तो चूंकि वहां बंदरों की पूजा हो रही है, बंदरों का आकार है, गदा भी लिया हुआ है, तो लाइडर टेक्नोलॉजी से सारी चीजें कलाकृतियां वहां मिली हैं और एकीकरण और संश्लेषण में हम लोगों ने वहां की निवासियों पर प्रकृति पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। प्रक्रिया में हम लोगों ने सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ को समझने की कोशिश की है, एक सुसंगत कथा निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों के साक्ष्य तुलना और विरोधाभास जो पाताल लोक के अस्तित्व और महत्व स्पष्ट है, इस पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया। ये लाइडेड टेक्नोलॉजी अभी 2014 में जो हुआ, इससे जो प्रमाण निकले हैं या तमाम मूर्तियां, तमाम चीजें, उसकी आकृतियां, तो ये लगता है कि बहुत पुरानी सभ्यता वहां रही है जिसमें बंदरों की पूजा की जाती रही है और हमें इससे चार पांच हमने इसका परिणाम निकाला है कि इसको जांच से कि पाताल लोक पौराणिक परिदृश्य समझने में हमने दैवीय हस्तक्षेप और ब्रह्मांडीय संघर्ष की व्यापक कथा के भीतर इसकी भूमिका की गहरी समझ प्राप्त होती है। उस समय देखिए तमाम दैत्य लोग थे और सारे असुरों को समाप्त करने के लिए हमारे देवी देवताओं ने पूजा की थी, रामचंद्र जी उसी संदर्भ में आए थे। तो इसका एक दोनों चीज आप देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, एक ऐसी कहीं ना कहीं दैवी है और ब्रह्मांड की संघर्ष हो रहा है इस समय। तो यही चीज लगता है कि उस समय भी ऐसी कुछ परिस्थितियां बननी थी जिसके लिए तमाम ये चीजें हैं। हमने शिवदास ब्रांका को रामायण से वर्णित पाताल लोक से जोड़ने की विश्वसनीयता का भी ध्यान दिया कि ये मिथक और वास्तविकता के बीच क्या परस्पर क्रियाएं हैं। तो इसमें तमाम छोटे छोटे जो वहाँ चीजें उपलब्ध हुई हैं, इससे लगता है कि वहाँ पहले से सभ्यता मौजूद है और वो सभ्यता यही नहीं है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो महामाया, जो अभी हमने बताया कि महामाया के सामने उन्होंने उनको बलिदान करने के लिए रामचंद्र जी को ले गए थे और वहां पर हनुमान जी पहुंचे हैं, तो महामाया वो मैक्सिको दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है, अपभ्रंश हो सकता है। और वो नगर 1510 में स्पेन के बलबोआ ने विजिट की थी, जो कि प्रशांत महासागर तक पहुंचने की कोशिश की और स्पेन के लोगों ने उसको वहां पहुंच करके उस सभ्यता को और वहां के हाव-भाव और परिवेश और दैत्य सभ्यता के परिवेश परंपराओं को समाप्त करने की कोशिश की। वहां पर उनका काफी दिनों तक अतिक्रमण रहा। निष्कर्ष पर आ गए, देखिए एक मिनट मैंने आपसे कहा था 5 मिनट, मैं बिल्कुल इसको 10 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट के बीच तो 10 से 15 मिनट के बीच में निष्कर्ष इसका आता है। हाँ, इसमें कि ये मिथक और वास्तविकता के संलयन की गहरी सराहना का प्रोत्साहित करता है, वैश्विक स्तर पर भारत के प्राचीन ज्ञान को अस्थायी विरासत उजागर करता है और रामचरितमानस में वर्णित घटनाओं को सच पाए जाने की पुष्टि करता है। ये भी स्पष्ट करने का प्रयास है कि मध्य अमेरिका में होन्डुरास प्रदेश का नाम कभी किसी राजा महाराजाओं ने पुनर्जीवित करने कर मकरध्वज शासक के अनुचरण हेतु उसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ और ये अपभ्रंश होकर के होन्डुरास अब कहा जाता है। ये हम लोगों ने इस पर
यार इसकी डॉक्यूमेंट्री भी, अब शेर हनुमान जी लेके वापस आ रहे हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्री भी हम लोगों ने तैयार की, और तैयार क्या, ये सारे नेशनल न्यूज ने इसके तैयार की है। और ये 2016 में 25 मार्च को हिंदुस्तान के सभी पेपर, हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में जितने इनके एडिशन से सब में फ्रंट पेज पर निकला हुआ था, और यही जा करके इसका 20 जुलाई में भी एक पत्रिका में भी इसका सारा जो हम लोग संकलित किए ये भी प्रकाशित किया गया है, और इसके अखबार में भी तमाम अमेरिका में से लेकर हिंदुस्तान के और सभी जगह इसकी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। मैडम मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी और दो दो तीन तीन इस पर बराबर यूट्यूब पर भी चलते रहते हैं। अंत में मैं हनुमान जी का चुकी भक्त हूँ, इसलिए पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता से हृदय वशम स्वरूप के साथ ही समस्त श्रोताओं को हृदय धन्यवाद देता हूँ। आप सृजनों के सकारात्मक विचारों को सदैव स्वागत है, मेरे एड्रेस और ये इस पर ऑलरेडी अंकित है, धन्यवाद। जी प्रोफेसर साहब, ये बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे इस मंच के साथ जुड़े हो, और ऐसे मुझे लगता है कि अनुपम और निराला जो विषय आपने लिया है वो सचमुच प्रशंसनीय है, और आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने पाताल लोक की खोज की हो या पाताल लोक संबंधी की कोई बात कहने की कोशिश की हो, क्योंकि हमेशा हम लोग स्वर्ग की ही कामना करते हैं, घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु आपने ये जो इतनी सारी बातें बताई और ये जो लाइडार तकनीक जो आपने बताया वो, और 3D मैपिंग जो आपने बताई, और किस तरह से वो क्या कहते हैं केव्स वगैरह बनाकर जाने की आपने जो बात कही, और ह्यूस्टन विश्वविद्यालय की भी बात कही, तो ओम गुप्ता जी तो ह्यूस्टन में ही बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर इससे हम सभी लोग प्रेरणा प्राप्त करके कुछ अन्य बातें भी इस विषय में और उजागर कर सके भविष्य में, यही हमारी कामना है, और आपको खूब इसमें सफलता मिले, आपके सहयोगियों ने जो भी आपका साथ दिया है वो सचमुच प्रशंसनीय है, बहुत सुंदर जी। और इरफान जी, आपने एक बहुत ही निराले कुछ इस पर चाहिए, मैं ह्यूस्टन गया, वहां से गुप्ता जी से जी 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 तो जी इरफान अहमद, आप हमारे लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे श्री राम इन चाइनीज रामायण।